सीआईटी किस बुनियाद पर, क्या आप कीनिया तक जाके एक्सेस रखते हैं? देखिए, पुराने फैक्ट फाइंडिंग मिशन के रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। मैंने उन्होंने ये कहा है कि ये ज़बरदस्ती वहाँ से दुबई से निकाला गया, वहाँ उसका 20 दिन का वीज़ा रहता था, ये पता करना चाहिए किसने निकाला, क्या आप दुबई गवर्नमेंट को, ये तो आपको क्रॉस कंट्री एक ज़बरदस्त किस्म की एक कोई इंटरनेशनल जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस या कोई भी फोरम जो अवेलेबल फोरम है उससे आप बात करें। स्कॉटलैंड यार्ड को बुला सकते हैं, बाकी लोगों को बुला सकते हैं। मसला ज़्यादा यह है कि वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलों से मट्टी झाड़ना वाली बात है, यदि शलजम के ऊपर से मट्टी झाड़ते हैं बड़ी आसानी से झड़ जाती है, वही वाली कैफियत है, नीचे से वो वही गोल गोल सा वो शलजम निकल आता है। असल मसला ये है कि उस रिपोर्ट की भी अगर उस पर देखा जाए तो उन्होंने बता दिया है बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि एक प्लान मर्डर था, प्लान था तो किसने किया? ठीक, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं दो तीन बयान पिछले दिनों सुन रहा था, इमरान खान साहब ने एक FIR दर्ज, अब सबक वजीर अजम FIR दर्ज कराना चाहता है, परवेज लाई साहब वजीर आला है, ठीक, परवेज लाई साहब के जेरे नगी एक चीफ सेक्रेटरी है, फिर एक IG है, फिर एक CCPO है, फिर उसके बाद DIG है, फिर DIG के बाद SP है, SP के बाद DSP है, DSP के बाद एक SHO है, जिसने SHO जिसने वो काटनी है, वो SHO एक बड़ा छोटी सी चीज़ है, वो कहते हैं जी वो नहीं काट रहा, और फिर PTI के लोगों की मीटिंग बुलाई जाती है, और फिर बड़े फख्र से कहते हैं कि अपना मोनस लाई साहब कि हमने उनको कहा तुम्हारा जो SHO FIR कर इनकार करता है उसको नौकरी से क्यों निकाला तुम लोगों ने, वो नौकरी से निकालो FIR दर्ज, तुम बाजार से उठा के भर्ती करो SHO, ये किसने कहा कि SHO जब वहां से आता है, किस कानून के तहत, आप रूल करो रिलैक्स, बाजार से उठा के SHO भर्ती करो FIR दर्ज कराओ। पाकिस्तान में मसला से है कि पाकिस्तान में एक सिचुएशन बनती जा रही है जिसमें कुछ ताकतें समझती हैं कि हमारे अख्तदार को, हमारे तसव्वुर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। चलो बिस्मिल्लाह, कौन चैलेंज करता है, लेकिन वक्त मेरे भाई चैलेंज करता रहता है, ये सिमरिंग होती है, ये लावा होता है जो पकता रहता है, ये लोग बर्दाश्त करते रहते हैं, रेवोल्यूशनरी कहते हैं टिपिंग पॉइंट ऑफ रेवोल्यूशन, गधे के ऊपर आप एक लाठी रखते हैं, 10 रखते हैं, 50 रखते हैं, 200 रखते हैं, 1000 रखते हैं, वो नहीं बिलबिलाता, लेकिन 1001 रखते हैं तो उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देती है, वो खड़ा हो जाता है। और इसमें आप अगर ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ आप किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज करके इस लीडरशिप को लेके कोई कुछ को रास्ता निकाल के इलेक्शन कर दे, ये भी भूल जाए, जब आपका तर्ज अमल ये रहेगा तो इमरान खान को लोग पीछे छोड़ देंगे, लोग खुद खड़े हो जाया करते हैं, और वो बहुत खौफनाक चीज़ होती है। हम बताते हैं पब्लिक जो होती है ना, जिस पब्लिक ऑन हर ओन, 10 अप्रैल को पब्लिक ऑन हर ओन उठी थी, इमरान खान तो कमरे में सो रहा था बनीगाला में, क्या 10 अप्रैल दोबारा नहीं आ सकता? वो 10 अप्रैल दोबारा बार बार आ सकता है। आप तो खड़े होकर थ्रेट करते हो लोगों को, आप कहते हो तो तुम्हें बहाना कर देंगे, आप कहते हो तुम्हें देख लेंगे, आप खड़े होकर जिस मुल्क का वजीर दाखला खड़े होकर ये कहे कि मैं तुम्हें फोक बलोचिस्तान की जेल में भेजूंगा, मत जेल में भेजूंगा, क्या करना चाहते हैं आप? फिरौन की औलाद हो, अब क्या है उस मुल्क के अंदर भाई? ठीक है हिलाली साहब, अरशद शरीफ का मामला हो, आजम सवाती का मामला, सारे तनाजुर में क्या ये अहम सवाल उठाया जा सकता है कि अदलिया रियासत की मनमानियों के खिलाफ तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए मरकजी किरदार अदा कर सकती है? नहीं, मैं फ्रेंकली मैं समझता हूँ आप कोई उम्मीद ना रखें। अच्छा, आप थोड़ा सा पढ़ लें इनकी इनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स कोई 9 लाख लिया है रिटायरमेंट पे? कोई आदमी रिटायर होके 9 लाख गाड़ी, ऑपरेटर, फोन, फॉर गॉड्स सेक, ये खुद अपना पे सेट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कोई और मेरे ख्याल में इदारा नहीं है दुनिया में जो अपने आप को सिलेक्ट करते, अपने आप को रिक्रूट, सिलेक्ट, प्रमोट, पोस्ट, उनके इमोल्यूमेंट्स खुद फिक्स करते हैं, रिटायर खुद फिक्स करते हैं, पनिश खुद कर सकते हैं, और कोई नहीं। इस किस्म की भाई फॉर गॉड सेक, अगर ये सब आप ले रहे हैं बेशक ले लें, मगर खुदा के लिए डिलीवर ऑन जस्टिस। यू आर डिलीवरिंग इन जस्टिस। कहनी आपने कभी सुना है एक प्राइम मिनिस्टर जो 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 ओहदा ले रहा है, एक दिन पहले या उसी दिन उसको मनी लॉन्ड्रिंग और TT के चार्जेस उसके खिलाफ केस की हियरिंग हो रही है NAB में, और वो ओथ ले रहा है।
ये तो एक और गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जाना चाहिए। मैं आई एम टेलिंग यू, यू सी वो कहते हैं शेम, शेमलेस को शेम नहीं होता ना, शेमफुल हाउ कैन यू डू, यू होता ही नहीं है, यू कांट गिव अ शेम, जब शेम ही नहीं है तो आप शर्म कैसे दिलाएंगे उनको, मुझे बता दें। ये हालत है हमारी, आई एम सॉरी टू से दिस, इट्स सो ऑब्वियस। और मुल्क में लोग ये सोचते हैं, ये लोग खड़े हुए इर्द गिर्द इधर, उनसे पूछे इंसाफ का क्या हालत है इस मुल्क में। बिल्कुल बिल्कुल।